उत्तर प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया ब्लॉक ने शानदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन काम कर गया। दोनों दलों ने मिलकर 80 में से 43 सीटों पर कब्जा जमाया। इसमें से 37 सीटें अकेले समाजवादी पार्टी ने जीती हैं। वहीं 6 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। अब लोकसभा चुनाव में मिली इस जीत के क्रम को दोनों दल आगे बढ़ाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। हालांकि इस राह में चुनावी बाधाएं आती दिखने लगी हैं। उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस को उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी विधानसभा उपचुनाव में पार्टी को भी सीट देगी। वहीं लोकसभा चुनाव में प्रभावित प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव विधानसभा में अपनी पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश करते दिख सकते हैं। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अखिलेश अपना दम दिखाकर जनता को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस भी अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में है। यूपी चुनाव 2022 में सपा 101 और कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यूपी में कांग्रेस को कितनी भागीदारी मिलेगी ये अभी तय नहीं हो पा रहा है। समाजवादी पार्टी यूपी में कांग्रेस को सीटें देने को लेकर एक अलग रणनीति पर काम करती दिख रही है। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी यूपी में गठबंधन को अन्य राज्यों में विस्तार देने की कोशिश में है। इस क्रम में इसी साल होने वाले हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की नजर है। समाजवादी पार्टी इन दोनों राज्यों में अपना पैर पसारने की कोशिश में है। अखिलेश यादव पहले ही पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का दम भर चुके हैं। अब अपने पीडीएफ फॉर्मूले पर राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की कोशिश में है। वहीं हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस से गठबंधन के तहत सीटों की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे में तय माना जा रहा है कि अगर यूपी में कांग्रेस को उचित भागीदारी चाहिए तो उन्हें इन दोनों राज्यों में समाजवादी पार्टी को भी हिस्सेदारी देनी होगी। उपचुनाव में सीट बंटवारे से पहले समाजवादी पार्टी की नज़र कांग्रेस की रणनीति पर है। कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में सपा को हिस्सेदारी देती है, तभी पार्टी यूपी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के किसी दावे पर विचार कर सकती है। माना जा रहा है कि अगस्त के मध्य तक लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की खाली हुई 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं। वहीं कानपुर की शीशामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद सीट खाली हुई है, इस पर भी उपचुनाव होना है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी के 9 विधायक सांसद बने हैं। इसमें समाजवादी पार्टी के टिकट पर अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद, लालजी वर्मा और जियाउर रहमान बर्क शामिल हैं। यूपी चुनाव 2022 में अखिलेश यादव ने करहल, अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर, लालजी वर्मा ने कटेहरी और जियाउर रहमान कुदरंग की विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। वहीं भाजपा विधायक अनूप वाल्मीकि, अतुल गर्ग और प्रवीण पटेल भी चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं। अनूप वाल्मीकि खैर, अतुल गर्ग गाजियाबाद और प्रवीण पटेल फूलपुर से विधायक थे। इसके अलावा मिर्जापुर के मझवा से निषाद पार्टी विधायक विनोद कुमार बिंद और मीरापुर से आरएलडी विधायक चंदन चौहान भी सांसद चुने गए हैं। सभी सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है। कांग्रेस की ओर से यूपी के 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में लगातार दावेदारी की जा रही है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और एनडीए खेमे की सीटों पर अपनी दावेदारी कर रही है। समाजवादी पार्टी की जीती विधानसभा सीटों को लेकर पार्टी का कोई दावा नहीं है। हालांकि माना जा रहा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीटों की हिस्सेदारी पर ही यूपी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस सपा गठबंधन होने की उम्मीद की जा रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तनातनी बढ़ गई थी। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश को लेकर अपनी रणनीति साफ कर दी है। राहुल गांधी रायबरेली लोकसभा सीट को अपने पास रखकर साफ संकेत दे चुके हैं कि पार्टी अब यहां पर अधिक फोकस करने जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी सक्रिय रही थी, हालांकि उन्हें अधिक सफलता नहीं मिल पाई। यूपी चुनाव के बाद यूपी प्रभारी पद से उन्हें हटाया गया, अब उन्हें वायनाड भेजा जा रहा है। वहीं राहुल गांधी की खाली होने वाली वायनाड लोकसभा सीट से पहली बार चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी दक्षिण भारत पर फोकस करेंगी, वहीं राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ाएंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी की होगी। समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र और हरियाणा को लेकर अलग दावा है। पार्टी के सीनियर नेताओं का कहना है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 में सपा को 2 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं हरियाणा में करीब 20 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर यादव वोट बैंक की बहुलता है। ऐसे में अखिलेश यादव इन दोनों राज्यों को पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी
टीडीए पॉलिटिक्स का लिमिटेड टेस्ट करने की तैयारी में है। यूपी में जिस प्रकार से उनकी रणनीति सफल रही है, वहीं अन्य राज्यों में सफल होती है या नहीं, इसका परीक्षण होगा। इसलिए दोनों राज्यों में चुनाव पूर्व गठबंधन पर जोर दिया जाना शुरू कर दिया गया है। अखिलेश इन दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने की कोशिश करते दिख सकते हैं। साथ ही कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में सीमित रखने की रणनीति में भी उनकी ये राजनीति कारगर हो सकती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।